बीयर कौन सा बेच रहे हो? बीयर कौन सा? वो कौन सा है? संदीप कुमार आपका नाम क्या? मेरा तरसे ये कौन सा ग्रैंड विस्की? आज हमने डिफरेंट बार चेक की हैं टू असर्टन दैट कि क्या जो लोगों को बार में जो शराब मिल रही है वो ठीक है कि नहीं है। उसका हमने एनालिसिस के लिए हमने सैंपलिंग की है, मैक्सिमम सैंपल हम करेंगे और उसको एनालिसिस के लिए भेजेंगे, तो जो भी रिपोर्ट आती है उसके बाद इसकी जो भी कार्रवाई होकर ख़राब होगा। फिर बाद गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन है कि हर फूड आइटम को प्रॉपर ढंग से चेक किया जाए, उसमें शय खुर्दने में कोई भी चीज़ हो, लिक्वर हो, कोई भी चीज़ हो, उसका प्रॉपर ढंग से चेकिंग की जाए, उसका एनालिसिस किया जाए और पब्लिक तक जो भी चीज़ पहुँचे वो साफ शफाफ पहुँच जाएगी और बेहतर पहुँच जाएगी। यही मिशन था हमारा आज। ये लैब में भेजे जाएंगे, जो ही वहाँ से एनालिसिस होगा तो फिर फोर चीज़ का पता चल जाएगा एज अर्ली एज पॉसिबल। तब तक ये है कि जब ये कोई सैंपल ख़राब आ जाएगा उसके बाद इसको बैन कर दिया जाएगा और उस चीज़ को सीज की कर दिया जाएगा, लोगों के लिए उसको बंद कर दिया जाएगा। जो पास आ जाता है लीगल स्टैंडर्ड में आ जाता है तो उसके लिए इजाज़त है, तो यूज़ कर सकते हैं। सैंपल जब भी एनालिसिस के लिए भेजा जाता है वो पैक होना चाहिए, बिल्कुल इंटैक्ट होना चाहिए, उसकी कहीं सील जो है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तभी वो एनालिसिस के लिए जा सकता है। फिट फॉर एनालिसिस तभी हो सकता है कि जब वो प्रॉपर ढंग से पैक होगा, अनपैक जो है कभी नहीं होगा। हाँ, लूज में अगर फूड आइटम में कोई उठाएंगे हम तो उसको अलग से पैक करके भेजना पड़ता है। जी जी हाँ, सभी को उसकी पेमेंट की दी गई है, हमने प्रॉपर ढंग से परचेज किया है उसको, उसके बाद हम एनालिसिस के लिए इसको भेजें डिफरेंट लैब।